मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज मैं BSc पैट के क्लासेस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। BSc पार्ट टू ससिरे के विद्यार्थियों को पैट के क्लासेस में कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे उनका जवाब देना है, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्लासेज फॉर BSc पार्ट वन सब्सिडी। क्वेश्चन सेट वन। क्वेश्चन वन, एस्टिमेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ NaOH एंड N2CO3 बाय डबल इंडिकेटर मेथड। NaOH N2CO3 के सॉल्यूशन के मिक्सचर को इस्टीमेट करके पता करना है कि उसमें कितना NaOH और कितना Na2CO3 है। क्वेश्चन टू, डिटेक्ट नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन दो है, बताता है कि दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन है या नहीं, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन थ्री, नोटबुक एंड फाइबर बोर्ड। क्वेश्चन थ्री में जो आप क्लासेज में प्रैक्टिकल किए उनका नोटबुक बनता है, उस पर भी नंबर मिलता है, और सवाल एग्जामिनर सवाल करते हैं उस भी नंबर मिलता है। कुल जो के नंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन वन में, 8 नंबर क्वेश्चन टू में, और 5 नंबर क्वेश्चन तीन में आता है। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन वन का जवाब, एस्टिमेशन ऑफ NaOH एंड N2CO3 इन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस थ्योरी। व्हेन NaOH रिएक्ट्स विद एन एसिड, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वन स्टेज, बट इन केस ऑफ Na2CO3 द न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू स्टेज एंड रिएक्शंस गिवन बिलो। बताया गया कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड से तो NaOH की प्रतिक्रिया जो होती है न्यूट्रलाइजेशन की, वो एक वन फर्स्ट स्टेज में होती है। फर्स्ट क्या है, वन स्टेज हुआ NaOH AQ प्लस HClAQ, एरो के बाद NaClAQ प्लस H2O। ये वन स्टेज में NaOH का रिएक्शन रिसीवर से हो जाता है, बट इन केस ऑफ Na2CO3 द मिक्स न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू स्टेज एज रिएक्शंस गिवन बिलो। परंतु जब Na2CO3 का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसमें दो स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट जो सेकेंड रिएक्शन में है Na2CO3AQ प्लस HClAQ NaCO3AQ प्लस H2, यानी इसमें Na2CO3 जो है जब इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पहले NaCO3 बनता है, और फिर क्या है रिएक्शन थ्री में NaCO3 पुनः रिएक्शन करता है HCl से, तो NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। तो Na2CO3 दो स्टेज में और NaOH एक स्टेज में न्यूट्रलाइज होता है। फिनॉल्थलीन एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर रिएक्शन वन एंड टू। रिएक्शन वन एंड टू में फिनॉल्थलीन जो है इंडिकेटर यूज होता है, इसका कलर अल्कलाइन मीडियम में गुलाबी कलर का होता है। बट एज सून एज रिएक्शन थ्री स्टार्ट, लेकिन जो रिएक्शन थ्री स्टार्ट होता है द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस डिस्चार्ज इट्स कलर। परंतु जो ही स्टेप थ्री शुरू होता है CO2 गैस निकलती है जो फिनॉल्फिन के कलर को डिसकलर कर देता है। इफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड एट दिस स्टेज इट मे एक्ट सक्सेसफुली इन इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट। तो जो ही डिसकलर हुआ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं क्या, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं जो हमें बताता है कि एंड पॉइंट कब आया। तो ये हो गया मिथाइल जो है अल्कलाइन मीडियम में होता है पीला, और न्यूट्रल मीडियम होता है ऑरेंज कलर का होता है,
और जब एसिडिक हो जाता है तो गुलाबी हो जाता है। तो जो ही न्यूट्रल प्लांट आता है कलर जो है वो येलो से ऑरेंज हो जाता है। हम नोट कर लेते हैं चीता मैच ऑरेंज हो नहीं। इस प्रकार से आगे देखें तो अभी देखिए दस द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड विथ फेनोल्फथैलीन एज इंडिकेटर विल कॉरेस्पॉन्ड टू होल ऑफ द NaOH एंड हाफ ऑफ द Na2CO3। NaOH के कंप्लीट और Na2CO3 का हाफ रिएक्शन को फेनोल्फथैलीन द्वारा हम लोग यूटिलाइज करेंगे और शेष जो बचता है वो रिएक्शन थ्री जो है उसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज द्वारा डिटेक्ट करते हैं। प्रोसीड करें। 10 मिलीलीटर ऑफ गिवन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3 वाज टेकन इन ए 250 मिलीलीटर मेजरिंग फ्लास्क। जो हमें सॉल्यूशन का मिक्सचर दिया गया है जिसमें NaOH और Na2CO3 मौजूद है उसका 10 मीटर लेंगे सॉल्यूशन का और उसको मेजरिंग फ्लास्क में डाल करके उसका वॉल्यूम 250 ml करते हैं डिस्टिल वाटर डाल करके। इस प्रकार से 250 ml सॉल्यूशन बन जाता है 10 ml सॉल्यूशन सी। अब 250 ml सॉल्यूशन बन गया 10 ml सॉल्यूशन बन गया उससे हम टाइटेशन करते हैं HCl के अगेंस्ट में। तो क्या क्या करना है तो द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड अप टू मार्क बाय एडिंग डिस्टिल वाटर। डाल करके हम लोग जो 10 ml सॉल्यूशन उसको 250 ml कर देते हैं। आफ्टर सेकिंग 25 लीटर ऑफ दिस वाट दिस वाज टेकन इन ए कॉनिकल फ्लास्क। अच्छा से उसमें मिला लेते हैं और उसके बाद उसका 25 मिलीलीटर लेते हैं हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट N/10 1.02 HCl सॉल्यूशन। N/10 1.02 HCl सॉल्यूशन द्वारा हम लोग इसको इसका टाइट्रेशन कराते हैं। यूजिंग फेनोल्फथैलीन एज इंडिकेटर अंटिल पिंक कलर वाज जस्ट डिस्चार्ज। हम लोग कहते हैं क्या 25 ml हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं उससे फेनोल्फथैलीन का एक दो बूंद डालते हैं तो सॉल्यूशन गुलाबी हो जाता है। अब उसमें क्या करते हैं N/10 1.02 स्ट्रेंथ वाला HCl एसिड डालते हैं बूंद बूंद करके ब्यूरेट के माध्यम से। तो पाते हैं क्या फेनोल्फथैलीन का जो कलर जो है कुछ देर के बाद उड़ जाता है तो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है डिस्कलर हो जाता है। द ब्यूरेट रीडिंग वाज नोटेड। क्यों डिस्चार्ज होता है हम लोग ब्यूरेट नोट करते हैं। द ब्यूरेट रीडिंग वाज नोटेड। नाउ 1-2 drops ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर वाज एडेड टू इट। जब इसका कलर डिस्चार्ज होता है तो इसमें एक दो बूंद हम लोग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालते हैं एंड न्यूट्रलाइज अगेंस्ट N/10 1.02 HCl एसिड सॉल्यूशन और N/10 1.02 HCl स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन से इनका टाइट्रेशन कराते हैं रासायनिकरण कराते हैं। 3 concurrent readings were noted और 3 concurrent readings नोट करते हैं जिसमें कम से कम 2 reading टैली करना चाहिए लगातार 2 reading टैली करना चाहिए। याद रखें एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स प्रयोग हमने किया उसके क्या क्या हमको पठन मिले उनको देखते। वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूशन 10 मीटर जो हमें सॉल्यूशन दिया गया इस्टीमेट करने के लिए उस सॉल्यूशन का 10 मिनट लेते हैं
ये हो गया। ओके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अभी जो 10 हमने लिया उसको मेजरिंग फ्लास्क में डाला और सोल्यूशन को डाइल्यूट किया 250 ml तक, तो ये हो गया 10 ml से 250 बनाया गया डाउट करके। और अब क्या किया गया, अब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर वन वॉल्यूम ऑफ अल्कली मैंने सोल्यूशन का मिक्सचर हमने लिया था उसका 25 मिनट लेते हम लोग, यहाँ लिया गया Na2CO3 का सोल्यूशन जो था उसका 25 मिनट हमने लिया। यहाँ फेनोल्फथैलीन रीडिंग तो हमने रीडिंग देखा फेनोल्फथैलीन के समय, तो पाया गया क्या, इनिशियल में 0.0 फाइनल 14.8 डिफरेंस 14.8 इनिशियल सेकेंड एक्सपेरिमेंट 25 ml अल्कली 5.0 इनिशियल 19.7 फाइनल डिफरेंस 14.7 एक्सपेरिमेंट 3 25 ml अल्कली इनिशियल 10 फाइनल 24.7 डिफरेंस 14.7 कॉन्फिडेंट कंक्रेंट जो हुआ, इसमें कंक्रेंट जो हुआ उस कंक्रेंट रीडिंग का मान 14.7 ml पाया गया। मिथाइल ऑरेंज रीडिंग, अब जो ये न्यूट्रलाइज हो गया फेनोफिन का कलर समाप्त हो गया और मिथाइल डाला गया तो उसमें देखा रीडिंग कितना बचता है, तो इनिशियल रीडिंग हुआ 14.8 जो यहाँ डिफरेंस था वो यहाँ पहुँचा दिया 14.8 इनिशियल हो गया फाइनल 19.7 डिफरेंस 4.9 सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए 19.7 25.5 फाइनल डिफरेंस 4.8 थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए मिथाइल में 24.7 फाइनल 29.5 डिफरेंस 4.8 कॉन्स्टेंट जो आया वो 4.8 मिल हुआ। इस प्रकार से हमने टाइट्रेशन के बाद जो रीडिंग लिया फेनॉल थैलीन के लिए अलग और मिथाइल के लिए अलग, हम इसमें देखें कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है। कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा कि दिए गए उसमें कितना NaOH है और कितना Na2CO3 है। धन्यवाद।